हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी आपके सामने यहाँ पे एक स्कैनर दिखाई दे रहा है। ये जो स्कैनर ये हमने बनाया है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब इसके अंदर अलग अलग प्रकार के हमारे स्टॉक्स आते हैं। अभी इन स्टॉक्स को हम पूरी तरीके से चेक करते हैं फंडामेंटली और टेक्निकली, और इनके ऊपर जो प्रोजेक्शन बन रहा होता है और स्विंग के लिए स्टॉक्स रेडी होंगे तो तभी हम आपके साथ यहाँ पे बताते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो ये स्कैनर होता है जिसको हम स्कैन करते हैं वो डेली बेसिस पे होता है, यानी कि हम डेली आपको यहाँ पे स्कैन करके बताते हैं। उसका सेपरेटली एक वीडियो हम डेली प्रोवाइड करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अभी हम देखते हैं इसमें आज के आने वाले कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं चार्ट के ऊपर और एक एक स्टॉक्स को करके देखते हैं। तो पहला स्टॉक्स हमारे सामने वो है आपका रायमंड्स का। अब ये स्टॉक्स के अंदर जो प्राइजेशन बन रहा है वो आपको यहाँ पे मैं पूरा बताने से पहले एक चीज बताना चाहता हूँ। बहुत सारे हमें कॉमेंट्स वगैरह आते हैं, बहुत सारे हमें क्वेरीज आती है कि सर आप हमें स्विंग ट्रेडिंग सिखाइए। तो स्विंग ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से पूरा स्विंग ट्रेडिंग आपको सिखा रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करिए, गूगल पे चले जाइए और यहाँ पे आप टाइप करिए। देखिए यहाँ पे मैंने केवल गूगल पे सिंपल टाइप किया है रॉयल स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। रॉयल स्विंग ट्रेडिंग आप टाइप करेंगे, यहाँ पे आपको ये वाली वेबसाइट दिखाई देगी। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये वेबसाइट है और ये वेबसाइट के अंदर हम आपको पूरा पूरा यहाँ पे डिटेल दे रहे हैं जिसके अंदर हम आपको सिखा रहे हैं, यानी कि हमारा वर्कशॉप यहाँ पे स्टार्ट है जिसके अंदर क्या क्या वर्कशॉप में सिखा रहे हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। रॉयल स्विंग ट्रेडिंग 2 डे वर्कशॉप है, हम 2 दिन का आपको वर्कशॉप कर रहे हैं। वर्कशॉप जो स्टार्ट होगा वो हमारा कैसे स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आपको डेट और टाइमिंग आप देख लीजिए, 11 बजे से 1 बजे तक रहता है और एवरी सैटरडे संडे हमारा ये वेबिनार रहता है। यानी 2 दिन का वेबिनार हम ले रहे हैं, सैटरडे और संडे 11 बजे से 1 बजे के बीच में, जिसमें हमारा लैंग्वेज रहेगा हिंदी और बाकी की सभी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हो कि हम इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको सिखा रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी से लेकर टोटल पार्ट हम आपको सिखा रहे हैं। और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधे सीधे चले जाइए, वहां पे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वेबसाइट का लिंक और साथ में एक टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, उस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है और इसकी डिटेल आपको पूरी पढ़नी है तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं और वहां पे भी ज्वाइन नाउ का बटन है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो लोग वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग को प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं, वो लोग इस वेबिनार को अटेंड कर सकते हैं। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट अपने स्टॉक्स के ऊपर। अभी यहाँ पे डिस्क्लेमर वही है कि हम जो आपको स्टॉक्स बता रहे हैं जिसमें हमारा कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, केवल आपके एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे एक प्राइजेशन बन रहा है। आप देखिए जो चार्ट है वो आपका ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। ये जो ब्लू वाली लाइन आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये है 40 मूविंग एवरेज। तो जब जब भी प्राइस 40 मूविंग एवरेज के पास आ रहा है यहाँ से बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। आप देख लीजिए जब जब भी 40 मूविंग एवरेज के पास आ रहा है प्राइस यहाँ पे बाउंस ले रहा है, साथ में यहाँ पे कुछ सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं तो आप सपोर्ट को भी देख पा रहे हैं। ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन जो हमने यहाँ पे ब्लू कलर की बना रखी है, इसने देखिए एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लिया, तीसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, साथ में यहाँ पे 40 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। दूसरा इसका यहाँ पे जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आप देख लीजिए, एक बार यहाँ पे ये रेसिस्टेंस ले रहा था, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, फिर आप देखिए यहीं पे करेक्ट सपोर्ट लेके यहाँ पे निकला, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया। तो अगर दोनों तरफ से देखें तो यहाँ पे अच्छे खासे सपोर्ट बनकर तैयार हुए। अब प्राइजेक्शन को अगर हम देखने की कोशिश करें तो प्राइजेक्शन क्या बता रहा है कि जब यहाँ से नीचे गया और 40 मूविंग एवरेज से बाउंस होकर ये ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो इसने एक अच्छी खासी यहाँ पे आपको एक चाल दी। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आया और ये करेक्ट अपने 3 जगह पे यहाँ पे आपको सपोर्ट मिला है, 40 मूविंग एवरेज का, साथ में इस ट्रेंड लाइन का और साथ में इस वाली ट्रेंड लाइन का। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक जोन में फंस चुका है, ये एक जोन बना चुका है ऊपर का एक ट्रेंड लाइन और नीचे का एक ट्रेंड लाइन, और इन्हीं के बीच में ये सस्टेन करते हुए अभी आ गया ये अपने ब्रेकआउट के पास। या तो हो सकता है कि ये सीधा यहाँ से वापस नीचे आ जाए और नीचे आने के बाद फिर से यहाँ कहीं पे ब्रेकआउट दे, या फिर यहाँ से अगर ये डायरेक्ट ब्रेकआउट देता है तो डायरेक्ट ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट के बाद यहाँ से निकलेगा। तो ये आपके रडार पे होना चाहिए, ठीक है। अब वीकली बेसिस के ऊपर जब इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगा तब हम यहाँ पे एंट्री का सोच सकते हैं। अभी एंट्री कैसे करनी है ये मैं आपको भी बताने वाला हूँ, ठीक है। सो पहला स्टॉक तो हमें आपको यहाँ पे बता दिया। अभी दूसरे स्टॉक्स की हम बात कर लेते हैं, तो सेकंड स्टॉक्स हमारे पास कौन सा है। तो कभी यहाँ पे एक स्टॉक आता है तो कभी दो आते हैं तो कभी तीन आते हैं, तो आज लगभग 2 या 3 स्टॉक्स आए, 3 स्टॉक्स आए, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी इस स्टॉक के अंदर क्या करना है, हमारा 40 मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है, ये एग्जैक्ट उसी के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। सामने यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे से एक अच्छी खासी चाल चलने के बाद यहाँ पे एक जोन बना दिया इसने। अभी इसी जोन के अंदर ये सपोर्ट लेते हुए यहीं पे रुकने की कोशिश कर रहा है, पर अच्छा खासा इसने सपोर्ट लिया, अभी ये ब्रेकआउट यहाँ पे देने के लिए सक्सेसफुल आ चुका है। अब ये ब्रेकआउट कब होगा, वीकली बेसिस पे फ्राइडे क्लोजिंग पे, अगर ये क्लोजिंग इस लाइन के ऊपर की तरफ सक्सेसफुल रहती है तो हमारे यहाँ पे एंट्री का क्राइटेरिया रहेगा और रिस्क रिवॉर्ड क्या रखना है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो दो स्टॉक्स आपके यहाँ पे ये हो गए। अभी जो तीसरा स्टॉक्स है वो आपको मैं बता देता हूँ। तीसरा स्टॉक क्या, थोड़ा सा अगर आप 2-3 महीने के होराइजन से अगर इसको रखते हैं तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हो सकता है। तो इसमें हमने देखा कि एक स्टॉक्स है जिसने, और यहाँ पे पहली बार आप देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस बना रहा है, थोड़ा सा चार्ट आपका लंबा हो रहा है तो मैं इसको काम करता हूँ मंथली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। देखिए मंथली चार्ट के ऊपर क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका एक बेस बन गया। ये क्या हो रहा है, जब प्राइस इसके नीचे चला गया ना, प्राइस जब इस लाइन के नीचे चला गया तो इसने यहाँ पे एक लंबा बेस बनाया,
एक लंबा बेस यहाँ पे बना के तैयार कर रहा है और अभी यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे रहा है, तो इसको बोलते हैं बेस वन का ब्रेकआउट। अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पे फ्राइडे को सक्सेसफुल रहता है तो हम एक छोटा सा रिस्क, यहाँ पे रिस्क क्या होगा ये लो, और रिवॉर्ड हमारा क्या हो सकता है, इसका रिवॉर्ड पहला जो रिवॉर्ड हमारे निकल आएगा पहला ये और दूसरा ये, तो मैक्सिमम हमारा जो टारगेट रहेगा लगभग लगभग यहां तक रहेगा, और एक छोटे से रिस्क के साथ हम इसमें एंट्री ले सकते हैं, फंडामेंटल वगैरह कंपनी के अच्छे हैं। तो तीन स्टॉक यहाँ पे हमारे दिखाई दिए। अभी एंट्री एग्जिट वगैरह कैसे करना है तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीन वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, जिसमें आपको ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करना है, साथ में आपको पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, साथ में आपको एंट्री कैसे लेना है, एग्जिट कैसे करना है, ये सब चीजें मैंने यहाँ पे वीडियो में बैक टू बैक बता रखी है, क्योंकि ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं यहाँ पे प्रॉपर चीजें सभी चीजें नहीं बताने वाला हूँ। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, और जो लोग प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग को वो लोग वर्कशॉप को अटेंड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, माई वेबसाइट का लिंक दिया है आप उस पर जाके क्लिक कर लीजिए, या फिर वहीं पर टेलीग्राम का आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप सीधे सीधे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां से आपको बाकी की डिटेल आगे की मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, और एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू सो मच।